गणेश जी के घर पर रबिया जिला में हथियार के बल पर पैसा और लूटपाट हुआ है। सूचना पर आरएस प्रभारी पहुंचे। आज सवेरे लगभग 2:30 बजे के आसपास खबरें मिली कि इनके यहाँ उमेश जी हैं, जो कि हमारे विभाग में ही स्थापित हैं अररिया जिला में। इनकी मिसेज और इनके बच्चे यहाँ पर रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, और इनके यहाँ बताया गया कि घटना हो गई है। कुछ लोगों के द्वारा आकर के हथियार के बल पर पैसे और आभूषण का लूटपाट हुआ है। इनकी सूचना पर तुरंत आरएस प्रभारी और मैं खुद पहुँचे। अर्ली मॉर्निंग हम लोग घटना के तुरंत थोड़ी देर के बाद जब हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला, सारा लगभग 3-3.5 घंटा की मैंने इंक्वायरी की, पीओ विजिट किया। मिसेज जो पैसे से टीचर हैं, वो उनके द्वारा बताया गया कि 3-4 आदमी आए थे और एकाएक गेट खुला और उनको उनसे चाबी की मांग की गई गोदरेज की, और कहा गया कि आप चाबी दे दीजिए, नहीं तो आपके साथ हम लोग कुछ गलत कर सकते हैं, या बच्चों की धमकी दी गई। उन्होंने डर से अपना चाबी दे दिया और जो भी लॉकर में रखा हुआ था, गोदरेज के लॉकर में रखा हुआ था, वो सारे आभूषण और लगभग 15-20 हज़ार के आसपास कैश ले गए। इस बिंदु पर हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल एविडेंस पर भी काम कर रहे हैं। बाहर से डॉग स्क्वाड और FSL की टीम भी अभी आई हुई है, इस पर हम लोग आगे नज़र रखेंगे। और इसके अलावा जो हमारा अन्य सोर्सेज होता है, जिसके अलावा जिस पर हम लोग काम करते हैं, सारी दिशा में अनुसंधान जारी है। सर, जैसे कि परिजन बता रहे थे, इससे पूर्व भी इनके कथनिया स्थित आवास पर एक चोरी हुई जी। हाँ, वो मुझे भी आज बताया गया इनके द्वारा वो चोरी होती है। यदि उसमें कोई प्रोग्रेस होगा या एक ही घर को यदि टारगेट बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, इसके आधार पर भी हम लोग इसका तफ्तीश करेंगे। यदि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, चूँकि इनके कैथनिया वाले मामले में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, और ये बता रहे कि इनके एक भाई साहब दिल्ली में, तो उनके भी हुआ, और तीनों भाई टारगेट किए गए थे। इसके पीछे किसका दिमाग यदि हो सकता है, इस बिंदु पर भी हम लोग जाँच करें। सर, कितने का आभूषण किया? आभूषण तो लगभग बता रहे हैं कि 8-10 भर आभूषण था टोटल, और 20-25 हज़ार रुपये थे, तो जो मार्केट वैल्यू होगा उसके आधार पर FIR के द्वारा उसी समय प्रतिबयान भी लिया गया। बच्ची है जो कि मैट्रिक में पढ़ती है 10वीं क्लास में, उनका भी हम लोगों ने बयान लिया है। सबसे पहले हम लोग भी पहुँचे थे, और इस आधार पर जो भी होगी, हम लोग गिरफ्तारी के साथ साथ कोशिश करेंगे कि जो भी रिकवरी हो सके यथासंभव जल्द से जल्द। अपराधियों की संख्या कितनी? मैम जो बता रही है 3-4। हथियार भी था जो बता रही है कि कुछ लोहे का हथियार, वो देसी कट्टा बताई बाद में, एक के पास वो भी था, एक के पास पेचकस था, एक के पास झाड़ू काटने वाला हसिया टाइप का था। तो हम लोग देख रहे हैं, जो भी होगा उसमें हम लोग बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। फॉरेंसिक टीम आने से किस तरह का फ़ायदा होगा, वो हम लोग देखेंगे। इस पर क्या क्या निशान है, किस तरह के निशान है, वो उसका एक टेक्निकल चीज़ है जिस पर हम लोग काम करेंगे। लगातार अपराध कैमरा लगा हुआ है। हाँ। सीसी कैमरा का उसमें आईडी